यहाँ पर जो अपने साथ लेकर आता है जोक को और उसे कहता है, ये सब क्या कर रहे थे तुम? तुम मेरे फ्रेंड से फाइट क्यों करना चाहते हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जोक उसे कहता है कि मैं फ़ाइट नहीं कर रहा था, तुम्हारे फ्रेंड ने ही फ़ाइट करना स्टार्ट किया था और वैसे भी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो वो मुझे ऐसे ये सब कुछ क्यों कह सकता है? यहाँ पे उसे समझाता है जो कि जब तुम मेरे साथ अकेले रहते हो तो तुम कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम औरों के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हो। माना कि तुम अपने तरीके से अपनी लाइफ जीते हो, जो तुम्हारा मन करता है जब मन करता है वो कहते हो और वो करते हो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे भी तुम्हें हम दोनों के बीच की बाउंड्रीज़ की थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जो कि यहाँ पे उसे काफ़ी सीरियस लुक देकर देखने लगता है, तो जो उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम मेरे लिए वो फूड लाए थे और उसमें तुम्हारा इरादा अच्छा ही था, क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं नई चीज़ों को ट्राई करूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे ऐसी चीज़ें ज़्यादातर पसंद नहीं होती है, तो मैं चाहूँगा कि तुम किसी को भी फोर्स ना करो उन चीज़ों को ट्राई करने के लिए जो उन्हें पसंद ना हो। लोग अपनी मर्जी से ट्राई करना ही पसंद करते हैं। आई थिंक तुम मेरी बात को समझ रहे हो। जो कि यहाँ पे उसे कहता है कि मैं तुम्हें समझता हूँ, लेकिन तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट करना चाहता हूँ सब कुछ, इसलिए मैंने वो सब कुछ किया था। जो यहाँ पे उससे कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मुझे तुम्हारी हर चीज़ पसंद आए, और वैसे भी चाहे हम लोग फ्रेंड्स रहे या फिर उससे आगे कुछ और बन जाए, हमारे बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए और उस चीज़ को तुम्हें समझना चाहिए। जो कि यहाँ पे फिर भी चुपचाप खड़ा रहता है और कोई रिएक्शन नहीं दे रहा होता उसे, तो जो उसे कहता है कि हमें कम्युनिकेट करना चाहिए एक दूसरे को, अगर कोई दिक्कत है तो उस चीज़ पे डिस्कशन करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मुझे नज़र आ रहा है कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, शायद जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूँ वो अभी तुम नहीं समझ पा रहे हो, थोड़ा समय अकेले रहो और अपने आप को शांत करो, शायद उसके बाद तुम्हें समझ आए कि मैंने तुमसे जो बातें कही हैं वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही हैं, उसके बाद ही हम दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे। वो यहाँ पे उसे कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए, उसके बाद समझ जाता है यहाँ पे जोक पे, वो उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद दिखाया जाता है डिबेट क्लब में, जहाँ पर वेव उन्हें कुछ चीज़ें समझा रहा होता है, साथ में वो कहता है कि पोक, नेटा और जो मेरी हेल्प करेंगे ओपन बूथ में। ये सुनकर जोक उससे कहने लगता है, जो क्या तुम लोग ये करने वाले हो? तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहूँगा। वेब यहाँ पे उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है, अगर तुम्हें कोई सवाल करना है तो तुम मुझसे कर सकते हो, बीच में इस तरीके से डिस्टर्ब मत करो मीटिंग में। तो यहाँ पर जोक इस चीज़ के लिए उससे माफ़ी मांगने लगता है। वेब यहाँ पे अपनी मीटिंग ख़त्म करता है और उन सभी को उनके काम बता देता है। वो जाने लगता है तो जो उसे रोकता है और किसी चीज़ को लेकर उससे डिस्कस करने लगता है। जो कि यहाँ पे देखता है ये सब कुछ, तो वो अपना बैग उठा के वहाँ से जाने लगता है। तभी नीटा उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? तो जोक नीटा के साथ वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर हमें दिखाया जाता है पार्किंग एरिया में, नीटा यहाँ पर अपनी कार ओपन करके उसे दिखाती है, तो उसके सीट्स पे बहुत सारे नोट्स होते हैं जिनमें लिखा होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें किस कर सकता हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। इन सारी चीज़ों को रीड करता है यहाँ पे जोक और कहता है ये सब कुछ क्या है। नीटा उससे कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो पर्सन फिर से वापस आ गया है, जब मैं आज आई थी अपनी कार के पास तो ये सारी चीज़ें मेरे कार पर लगी हुई थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। उससे जोक कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा केयरफुल रहना होगा। नीटा कहती है अगर वो सच में वापस आ गया होगा तो क्या होगा। नीटा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, वो रोने भी लगती है, तो जोक उसे हग कर लेता है, कहता है कि डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे पास तुम्हारी हेल्प करने के लिए। लेकिन उसी मोमेंट पे वहाँ पे जो भी आ जाता है और वो ये सब कुछ देख लेता है। जोक यहाँ पे उसकी तरफ देखता है तो नीटा से अलग हो जाता है। नीटा भी यहाँ पे जो को देखती है तो अपनी कार को बंद कर देती है ताकि उसे कुछ पता ना लगे। यहाँ पे जो उन्हें काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है। जोक यहाँ पे जो के पास आता है और उससे कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है, हम लोग लंच के लिए चले। जो यहाँ पे उससे कहता है कि मुझे भूख नहीं है और वो काफ़ी ध्यान से उनकी तरफ देख रहा होता है। नीटा यहाँ पे उन दोनों को बाय बोल के चली जाती है। जो कर जो एक दूसरे को काफ़ी ध्यान से देख रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग फैकल्टी से बाहर निकल रहे होते हैं तो पीछे से जो कहता है चलो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन जो उसकी बात नहीं सुनता है तो जो उसे रोकता है और कहता है क्या हुआ है, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जो उसे कहता है कुछ भी नहीं। जो कि यहाँ पे उसे कहता है कि तुम कुछ सोच रहे हो, तुम्हारे फेस से साफ पता चल रहा है, क्या बात है बताओ मुझे। यहाँ पर जो उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, वो उससे कहता है कि मैं नीटा के बारे में तुमसे पूछना चाहता हूँ, पर वो चुप हो जाता है। जो उससे कहता है ओह तो तुम ये जानना चाहते हो कि मैं और नीटा फिलहाल क्या बातें कर रहे थे। जो यहाँ पे उसे कहता है हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि तुम और नीटा कपल कैसे बने थे। यहाँ पर उसे कहता है जो तुम ये जानना चाहते हो। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है
जहाँ पर नीटा को दिखाया जाता है। जब वो अपने डेस्क पे वापस आती है तो वहाँ पे काफ़ी सारे नोट्स लगे रहते हैं जिनमें आई लव यू नीटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, मतलब बहुत सारे कमेंट्स लिखे होते हैं। उन चीज़ों को देख के नीटा नर्वस फील करने लगती है। वो फटाफट से अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई आ गया है। वो टर्न करके देखती है तो वहाँ पर एक पर्सन होता है। नीटा उसे कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो पर्सन कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नीटा, मैं कब से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। यहाँ पर नीटा उसे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन वो पर्सन नीटा को ज़बरदस्ती यहाँ पे पकड़ लेता है और उसे फोर्स कर रहा होता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तो कब से तुम्हारा पीछा कर रहा था, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नीटा उसे कह रही होती है कि छोड़ दो मुझे, जाने दो। वहाँ पे तभी आ जाता है जोक और उस पर्सन को एक पंच मारता है और कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ये सब कुछ क्या कर रहे हो। यहाँ पर वो पर्सन कहने लगता है कि तुम कौन हो, इसका तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने अच्छे से ये पता किया है क्योंकि मैं इसे काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ। जोक उसे कहता है ओ तो तुम इसका पीछा कर रहे थे, पर तुम्हें इतना भी नहीं पता चला कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है। यहाँ पे वो पर्सन फाइट करने लगता है जोक से, कहता है कि तुम इसके बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते हो, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसका बॉयफ्रेंड बनूंगा। लेकिन यहाँ पे जोक उसके कॉलर्स पकड़ लेता है, उसे डरा धमकाने लगता है, कहता है कि आज के बाद नीटा के पास नजर मत आना क्योंकि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। वो पर्सन फिर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। नीटा ये सब कुछ होने के कारण काफ़ी रो रही होती है, उसे हक कर लेता है जोक, कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। जोक ये सारी बातें प्रेजेंट टाइम में जो को बताता है और कहता है कि इस तरीके से मैंने उस समय नीटा की हेल्प की थी, और वो पर्सन फिर कभी भी नीटा के आसपास नज़र नहीं आया। जो यहाँ पे उससे कहता है कि जो भी तुमने अभी मुझे बताया है वो सब कुछ सुन के तो मैं कह सकता हूँ कि अगर उस पर्सन की जगह मैं होता तो मैं भी कभी तुम लोगों को दोबारा नज़र नहीं आता, क्योंकि तुमने उसकी तो अच्छी खासी क्लास लगा दी। और वो हंसने लगता है। जो कुछ से कहता है उस दिन के बाद से ही मेरे और नीटा के बारे में सभी जगह रूमर्स उठने लगे कि हम दोनों कपल्स हैं, और फिर मैंने भी इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश नहीं की, ऐसे ही छोड़ दिया। जो यहाँ पे कहता है और इस बीच में मैं भी आ गया, मैंने सोचा था कि तुम नीटा के एक्स बॉयफ्रेंड हो तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो ताकि मैं उसे इम्प्रेस कर सकूँ, लेकिन देखो हुआ क्या। यहाँ पे उससे कहने लगता है जोक हाँ सही कहा, और ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद ही हुई कि मैंने उन चीज़ों को उस समय क्लियर नहीं किया था, वरना तुम मुझे अप्रोच नहीं करते इस तरीके से। और वैसे भी तुम्हारे क्लोज आने के बाद मुझे पता चल गया था कि तुम नीटा के लिए फीलिंग्स नहीं रखते हो, बस तुम खुद को प्रेशराइज कर रहे थे कि तुम्हारे दिल में नीटा के लिए फीलिंग्स है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और वैसे भी अगर तुम्हारे दिल में नीटा के लिए सच्ची फीलिंग्स होती तो तुम उन्हें हाइड ही नहीं कर पाते, जैसे कि मैं अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं कर पाया था तुम्हारे लिए। वहाँ पे उसके क्लोज आ जाता है और कहता है देखो अब हम किस तरीके से किस पोजिशन पर आ गए हैं। यहाँ पर उसे काफ़ी ध्यान से देखता रहता है जो, उसे जो कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूँगा, मैं जानता हूँ कि तुम अभी अपनी फीलिंग्स को लेकर कन्फ्यूज हो, तुम्हें कुछ समय की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें टाइम देता हूँ और तुम्हारे लिए वेट करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। यहाँ पे उसे देखता रहता है काफ़ी ध्यान से जो और उसे कहता है सच में मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हूँ, अभी मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता हूँ इस बारे में। जो कि यहाँ पे उसे कहता है जानता हूँ मैं, इसलिए तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, जितना टाइम तुम लेना चाहते हो ले सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारा वेट करूँगा। यहाँ पे जो उसे काफ़ी ध्यान से देखता रहता है, जो फिर उसे कहता है अब हमें चलना चाहिए, और वो उसे अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। सो फ्रेंड्स फिलहाल इस पार्ट में इतना ही, आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।